हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा इंडिया की पल पल की खबर आपको देते हैं, तो दोस्तों ऐसी ही आज जो हम आपको न्यूज देने जा रहे हैं दोस्तों, वो कोई रेडीमेड न्यूज नहीं है, किसी अखबार की न्यूज नहीं है। आज हमारी ये अपनी खुद की न्यूज़ है, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि सहारा निवेशकों को सम्मानित निवेशक कहकर सुब्रत राय ने गुमराह कर आज इन्हें किस मोड़ पर लाकर छोड़ा। दोस्तों, ये एक बड़े सोचने का विषय है कि आज एजेंट से लेकर निवेशक तक आत्महत्या करने पर मजबूर और परेशान है। तो दोस्तों, ये हालात पैदा किए हैं सेवी विभाग से पहले सुब्रत राय ने, क्योंकि दोस्तों सेवी विभाग की अगर बात करें तो सेवी विभाग को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, या दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सुब्रत राय को प्रतिबंधित दोनों इकाइयों का पैसा देने के लिए निवेशकों को कहा गया था, तो उस वक्त सहारा सुब्रत राय ने अपने अहंकार में और अपनी कानूनगिरी में निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया, जिसके फलस्वरूप सहारा सुब्रत राय को जेल भी जाना पड़ा, जो जग जाहिर है। तो दोस्तों, हम कहना ये चाह रहे थे कि जब सहारा सुब्रत राय से पैसा नहीं दिया गया, तो जो निर्धारित हुआ था कि अगर सहारा सुब्रत राय पैसा देने की सिचुएशन में ना हो तो ये उनकी प्रॉपर्टी बेचकर से विभाग पैसा देगी, कुछ इस तरह का यह दोस्तों कानून के आधार पर कहा गया था निवेशकों को पैसे देने के लिए सहारा सुब्रत राय को। लेकिन दोस्तों, सहारा सुब्रत राय किस हालात में है, उनका क्या कारोबार है दोस्तों, अगर मान लो कि कंपनी दिवालिया हो जाती या सहारा की कंपनी या दोस्तों दिवालिया हो जाती या लेकर भाग जाती, तो सहारा निवेशकों को सब्र आ जाता। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो हालात ये हैं कि सहारा इंडिया एक बहुव्यापिक कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों कि गरीब निवेशकों का अगर ये पैसा देना चाहे तो दोस्तों खड़े खड़े दे सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसके कार्य वित्तीय सेवा, गृह निर्माण, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, नगर विकास, रियल इस्टेट, अखबार, टेलीविज़न, फिल्म निर्माण, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, उपभोक्ता, ना जाने दोस्तों कितने ऐसे उद्योग इसके उद्योग जगत में लगे हुए हैं सहारा सुब्रत राय की पैसा देने के लिए दोस्तों निवेशकों के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। सीधी सी बात है कि सहारा सुब्रत राय ने अपने अहंकार के चक्कर में 2011 और 12 से लेकर और 2018 तक कितना परेशान किया और 2019 में भी कितने परेशान है निवेशक, यही बताने के लिए दोस्तों आपको ये वीडियो हमने बनाई है। क्योंकि दोस्तों, सम्मानित निवेशकों को अगर सम्मान चाहिए तो दोस्तों वो सम्मान केवल आपको सुप्रीम कोर्ट ही दिला सकता है, अन्यथा आपको सम्मान इस वक्त कोई नहीं दिला सकता। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ना तो सेवी विभाग ही पैसा दे पा रही है निवेशकों का और ना सहारा सुब्रत राय देने के मूड में है। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट को या सेवी विभाग को एक ऐसी कड़वी सच्चाई का पता होते हुए भी कि सहारा के जो दो इकाइयां हैं, उन दोनों इकाइयों के प्रतिबंधित इकाइयों के निवेशकों के क्या हालात हैं और कितना करोड़ रुपया, जी हाँ दोस्तों, लगभग 30,000 करोड़ रुपया मैं ब्याज के निवेशकों को देना था, लेकिन कन्वर्ट जैसी एक घिनौनी हरकत जो दोस्तों इन्होंने जेल जाने से पहले ही कर दी थी, सभी निवेशकों का पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कन्वर्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उन्हें जेल में भी डाल देगा। तो दोस्तों जेल में भले ही चले गए, हमारे यहाँ कहावत है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। तो दोस्तों चमड़ी चली गई सुब्रत राय की, लेकिन उन्होंने दमड़ी नहीं दी निवेशकों को। चाहते तो खड़े खड़े निवेशकों को दे देते, लेकिन दोस्तों उनकी मूछ नीची हो जाती। कानून के बहुत बड़े लड़ैया हैं वे, ये लड़ैया ही कह सकते हैं दोस्तों। उन्होंने सोचा कि जैसे मैं चलाऊंगा वैसे ही चलेगा। तो दोस्तों चल तो सब कुछ वैसे ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी चालों को नहीं समझा, सिविल विभाग ने भी नहीं समझा। दोनों ने इसको पकड़ के पैसे दिलाने के लिए जो जोर जबरदस्ती की, उसमें 21 हजार करोड़ रुपया सिविल विभाग में डाल दिया और कह दिया कि लो बांट दो। लेकिन मैं पहले ही इन सबका पैसा दे चुका हूँ, ये केवल एक लफ्जी तौर से कहा, जबकि ये पैसा कन्वर्ट किया जा चुका है। और कितनी बार ये पलटा जा चुका है, कितनी बार इसकी 2011 से लेकर 2019 तक इसकी अदर इकाइयों में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे क्यू शॉप एक वो खोली गई थी, एक इकाई खोली गई थी, उस इकाई में इन दोनों को जो प्रतिबंधित इकाइयां थी इनका पैसा इसने डलवा दिया था। तो दोस्तों अब सेवी विभाग की अज्ञानता में और सुप्रीम कोर्ट की अज्ञानता में ये कन्वर्ट किया गया पैसा इस वक्त है। तो ऐसे माहौल में सुप्रीम कोर्ट भी गुमराह है और सेवी विभाग तो ये जानना ही नहीं चाहता कि 21 हजार करोड़ रुपया जो मेरे पास देनदारी के लिए आया, उसके आखिर लेने वाले क्यों नहीं मेरे पास आ रहे हैं और इतने कम आवेदन क्यों आए। तो दोस्तों सब कुछ जानते हुए भी निवेशकों का पैसा देने की कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद इस वक्त नजर नहीं आ रही। हमारे यहाँ कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वो हालात इस वक्त सेवी विभाग और सहारा एंड कंपनी ने लगा रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त बिल्कुल गुमराह किया हुआ है, उसके सामने ये सच्चाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने सहारा सुब्रत राय की सच्चाई नहीं पता कि इसने कन्वर्ट जैसे जो घिनौने काम इन 10-15 सालों में कर रखे हैं। तो दोस्तों उन घिनौने कामों का कहीं तक कोई सीबीआई की जांच नहीं, कोई प्रवर्तन निदेशालय की कोई इस पर जांच नहीं है। दोस्तों अगर ये जांच अगर कराई जाए तो निवेशकों का पैसा, मैं कहता हूं कि 100% मिलना स्वाभाविक है, और स्वाभाविक जब ही है जब तक इनके ऊपर ये इस तरीके की जांच ना बिठाई जाए, ईडी वगैरह जो इसकी जांच अगर करेंगे तो दोस्तों सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दोस्तों जो इस वक्त बेसहारा और गरीब निवेशक है उनका पैसा जो रेगुलरली 2011 और 12 से लेकर 2019 तक उल्टा पलटी करते आ रहे हैं सुब्रत राय, तो दोस्तों ये पैसे से पैसा बनाना इस वक्त इन्होंने तेज कर दिया है, क्योंकि इन्हें पता है कि अब चिटफंड जैसी जो इनकी मुर्गी अंडा देने वाली मुर्गी थी उसको इस वक्त दोस्तों उसको न्यू समझ लिया कि मर चुकी है या उसे काट के डाल दिया गया है, वो अब मुर्गी नहीं रही। तो जो बाकी की ये बची कुची लटो पटो है ये कन्वर्ट कर कर न जाने निवेशकों को और कितना लंबा टाइम लगाएंगे, और ना जाने कितने निवेशक और ना जाने कितने ऐसे एजेंट अभी और मरने से बाकी हैं और आत्महत्याएं होने से बाकी हैं। तो दोस्तों ये तांडव अभी लगातार रेगुलरली चल रहा है, जिसका कहीं से कहीं तक अभी कोई समाधान नहीं है। ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय जय भारत। वंदे मातरम।